बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे, सेव होंगे इंशाल्लाह, और हम सब भी बहुत खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआ से ग्यारहवें रोज़े की तैयारी करनी है, बट उससे पहले कुछ काम है घर के, वो कर कर फिर चूल्हे में हम साथ चलते हैं फिर। और पहली बार आए हैं चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर कर जाना। कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट्स के थ्रू मुझे फ़ीडबैक देना, और लास्ट में हदीस शेयर करती हूँ तो वो भी सुनते जाइएगा। तो झाड़ों को पानी दे दिया है, और कबूतर खिड़की में आते हैं पानी पीने के लिए, तो उनके लिए भी इंतज़ाम कर दिया है। उनके पॉट में भी पानी डाल दिया है, अब झाड़ों को डालूंगी। आज बनाना है भाजी, अंबाड़े की भाजी बना रही हूँ आज, बट उसके साथ चुके की भाजी की कॉम्बिनेशन में बनाया है अब तक, बट अभी चुके की भाजी मिली नहीं है इत्तेफाक से, तो फिर मैं इसको कैरी में ट्राई कर रही हूँ। तो बहुत अच्छी बनी थी, और आपके पास भी कभी ऐसा हो जाए तो कैरियों का सीज़न है तो फिर आप कैरी में बना लेना, या तो फिर आमचूर तो पूरा साल मिलता ही है। और आज बालंगा बना रही हूँ, बालंगा मैं टैंक में बना रही हूँ, तो टैंक फ्लेवर में शायद खट्टे से बालंगा फूला नहीं, मुझे पता नहीं था, और पीकर सेटिस्फेक्शन हुआ नहीं था, तो आइंदा से ख्याल रखूँगी, आइंदा से अलग अलग इसको घुलने के लिए रखूँगी। और सबसे ज़रूरी काम शरबत का बनाना होता है याद से, तो वो पहले ही कर लेती हूँ, और वो मेरा डन हो गया था। आज बहुत सिंपल से खाने बनाए हैं, लेकिन वैरायटी ऑफ फूड बनाए हैं। चना दाल भिगाकर ही भाजी को तोड़ने गई थी मैं, तो भाजी भी टूट गई है, और चने की दाल इतनी देर में करीब आधा एक घंटा तो हो ही गया होगा, तो चने की दाल गलने के लिए रख दी थी मैं सिर्फ नमक के साथ। और सारे बेसिक से मसाले अभी एक के बाद एक चढ़ाने हैं, तो इसीलिए फिर ये सारे मसाले तो जाने ही थे, जैसा मिर्ची नमक हल्दी तो सारे पकवान में डालते ही हैं, तो इकट्ठे यहाँ रख लिया था मैंने। और नमक पानी के साथ मैं दाल को चढ़ा दूँगी एक 4-5 सीटियों तक। अब मैं इसमें खीमा चढ़ा रही हूँ, आज रोल्स बनाए थे खीमा रोल्स, तो उसके लिए आधा किलो खीमा लिया है। वॉश कर उसका पानी अच्छे से जब ड्रेन आउट हो जाए उसके बाद मैंने इसको गलने के लिए चढ़ा दिया था। और यहाँ बेसिक से मसाले ऐड किए हैं, मिर्ची नमक हल्दी और अदरक लहसुन पेस्ट, और हल्का सा गर्म मसाला, अच्छा सा मिक्स करके इसको भी पानी के साथ मैंने गलने के लिए चढ़ा दिया था। और इस वाले कुकर में मैं मैक्रोनीस चढ़ा रही हूँ, मैक्रोनीस 1.5 कप ही चढ़ाऊँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा फूड वेस्ट ना हो, इसीलिए वैरायटीज़ तो बना रही हूँ बट थोड़ी थोड़ी मिकदार में ही। तो मैक्रोनीस को अच्छे से वॉश करने के बाद पानी और तेल और हल्के नमक के साथ इसको भी गलाने के लिए चढ़ा दूँगी। आज पूरे कुकर्स की बारी है, सारे ही निकल के आए हैं बाहर, सारों को ही काम पे लिया है मैंने। जैसा मैंने कहा था, चुके की भाजी मिली नहीं तो मैंने कैरी यूज़ की है, तो कैरी के साथ मैंने मीडियम साइज़ की प्याज को रफली चॉप कर कर ऐड किया है। भाजी को अच्छे से 2-4 दफ़ा धोकर इसको ऐड कर रही हूँ, और इसमें भी बेसिक से ही मसाले डालूँगी, मिर्ची नमक हल्दी और अदरक लहसुन पेस्ट, थोड़ा सा तेल और पानी। जब गल जाएंगे तो फिर इनका प्रोसेस अलग अलग हो जाएगा, खीमे का
मैक्रोनीस का, दाल और भाजी का। फ़िलहाल सारे ही साथ साथ चूल्हे पर चढ़ेंगे। छोटे बड़े साइजेस है, चूल्हे भी छोटे बड़े हैं, तो उस हिसाब से मैं कुकर्स प्लेस कर रही हूँ। इससे मेरा काम बहुत आसान हो गया था और साथ साथ सारे एक के पीछे एक सारे ही पक्के रेडी हो गए थे। और इन सारों को काम पे लगाने के बाद मैं यहाँ आटा भिगा रही हूँ शाम की रोटी के लिए। तो पिंक सॉल्ट ऐड कर, बहुत दिनों से तो सॉल्ट हुआ हुआ था, तो फिर मैंने मर्तबान में इसको डाला है जार में। गेहूं के पराठे बनाऊंगी आज और इसको शिफ्ट कर रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। फिर भी मैंने ठंडे पानी से ही इसको भिगाया है। मेरे पास घड़ा है, घड़े में बहुत ठंडा पानी हो जाता है। अगर आपके पास घड़ा मिट्टी का कोई ऐसा सुरई वे नहीं है तो आप फ्रिज के पानी से ही भिगा लेना, बस बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। इससे आटा बहुत देर तक, छः से आठ घंटे तक आटा फ्रेश रहता है ठंडे पानी से भिगाने की वजह से। और यहाँ दाल गलकर रेडी थी, मैंने गुट्टी भी डाली थी क्योंकि बच्चों को और मुझे भी गुट्टी खाना अच्छा लगता है, तो फिर गुट्टी हटा के मैंने सारे भाजी और कैरी को मैश कर लिया था अच्छे से दाल घुटनी से, और फिर कैरी को वापस ऐड करके इसमें गली हुई चने की दाल ऐड कर रही हूँ। जो पानी छूटा था चने की दाल में, जो हमने गलने के लिए साथ ऐड किया था पानी, तो पानी के साथ ही मैंने फिर चने की दाल भाजी में ऐड कर ली है। और यहाँ बघार भी दे रही हूँ, एक मीडियम साइज़ का लहसुन का डल्ला लिया था, उसमें करीब 10 से 12 पोतियाँ होंगी, वो मैंने छील कर फिर इसमें ऐड किया है तेल में। जब वो गोल्डन ब्राउन हो गई थी तो फिर उसमें मैंने ज़ीरा, राई और सूखे मिर्च किए हैं। बघार रेडी कर फिर भाजी में ऐड कर लिया है। इस तरह भाजी बन गई थी और ये सबकी घर में फेवरेट भाजी है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सब ने डिनर बहुत अच्छे से किया था। और इस तरह मेरा एक पकवान तो हो गया, अब ये दूसरा भी हो गया था। खीमा बिल्कुल रेडी था, अब इसको रोल्स में फिल करना है बस। मैक्रोनी थोड़ी सी ज़्यादा घुल गई थी, बट नॉट अ प्रॉब्लम, बच्चे घुली घुली मैक्रोनी ही पसंद करते हैं खाना, तो उतना फ़र्क पड़ा नहीं था। और मैंने यहाँ साथ ही साथ मैदा भी भिगा लिया है तेल और नमक के साथ। इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाकर रख लूँगी। और फिल कर लिया था खीमे से, लेकिन वो क्लिप कहाँ मिस हो गई मुझे पता नहीं। अभी एडिटिंग करने से पहले भी मैंने बहुत ढूँढा उसको कि कोई फाइल्स में तो सेव नहीं हो गई, बट नहीं मिली। कितनी भी कोशिश कर लो, ख़ास करके रमज़ान में, कि फ्राइज़ नहीं करूँ, कुछ भी फ्राई नहीं करूँ फ्राइड आइटम। अभी बस है 10 रोज़ों तक तो किया ही है, बट किसी न किसी बहाने एक आध आइटम तो फ्राई हो ही जाता है। सॉसेस ऐड कर रही हूँ मैं, और पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस ऐड किया है, उसके बाद सोया सॉस, टोमेटो सॉस और ग्रीन चिली सॉस। सारे सॉसेस अच्छे मिक्स किए और अच्छा सा बॉइल्ड होने लिया। उसके बाद मैंने सिर्फ गले हुए मैक्रोनीस ऐड किए और कुछ भी नहीं ऐड किया है मैंने, क्योंकि सॉसेस में पहले से नमक होता ही है और तेज़ मेरे बच्चे खाते नहीं, तो हम लोगों को बहुत टेस्टी लग रहा था, बस खाते खुद केचप से बच्चों ने खा लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार का दस्तर बिल्कुल रेडी है।
और मुझे सख्त ज़रूरत थी चाय की, क्योंकि आज तबीयत बहुत डाउन हो रही थी पता नहीं क्यों। तो मैंने सिर्फ आधी रोटी खाई सालन से, ये भी खाकर तराबी को चले गए थे, तो उसी प्लेट में मैंने फिर खा ली और चाय पीकर मुझे फिर एनर्जी सी आई, तो फिर मैं वापस चूल्हे में चले गई, सारे बर्तन शर्तन सैंध डाले और फिर तैयारी की सहरी की। सहरी के बाद की ये क्लिप है जहाँ मैं चने, काबुली चने भिगा रही हूँ और सारा किचन नीट एंड क्लीन करने के बाद ही फिर मैं जाकर सोऊंगी, क्योंकि रात में सोना हो ही नहीं रहा है। तो ये थी मेरी आज की रूटीन, छोटी सी सिंपल सी, और आप लोगों को कैसी लगी, होप आप सबको पसंद आई होगी। अब वीडियो की एंड होने लगी है तो हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है, हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स खैर के बात सीखने या सिखाने के लिए मस्जिद जाए तो उसका सवाब उस हाजी के सवाब के तरह है जिसका हज कामिल हो। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना। कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट्स के थ्रू फीडबैक देना, और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना। मैं भी आप सबको इंशाल्लाह दुआओं में याद रखूँगी। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरी वन, अल्लाह हाफिज़।